किसान भाइयों, आपको तो पता ही होगा कि भारत में 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स काफी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इन ट्रैक्टर्स के साथ आप खेती के लगभग सारे काम आसानी से कर सकते हो, चाहे वो हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लॉ चलाना हो या फिर ट्रॉली का काम हो। और इसी श्रेणी में न्यू हॉलैंड 3630 और एस्कॉर्ट फार्म ट्रैक 60 पिछले कई वर्षों से आपका साथ निभाते आए हैं, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने अपने मॉडल्स में समय के साथ बदलाव किया है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में न्यू हॉलैंड 3630 TX स्पेशल एडिशन और एस्कॉर्ट फार्म ट्रैक 60 क्लासिक में कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए है बेहतर। दोनों ही ट्रैक्टर्स का पूरा कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर कारवां YouTube चैनल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स खेती का हर कार्य आसानी से करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू हॉलैंड ने अपना 3630 TX स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर इस श्रेणी में पेश किया है। आपने 3630 को 55 HP कैटेगरी में तो देखा ही है, अब ये 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में कितना कारगर साबित होगा ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वही बात करें फार्म ट्रैक 60 की, तो ये ट्रैक्टर भी पिछले 2 दशकों से हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा रहा है, और एस्कॉर्ट्स ने भी इस ट्रैक्टर में कई सारे वेरिएंट्स निकाले हैं हमारे किसान भाइयों के उपयोगिता के अनुसार। लेकिन आज के इस वीडियो में हम 3630 स्पेशल एडिशन को कंपेयर करेंगे फार्म ट्रैक 60 क्लासिक के साथ। दोनों ही ट्रैक्टर्स आते हैं 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में, और दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन से लेकर वारंटी तक पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ट्रैक्टर कारवां पर हम ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही ट्रैक्टर्स के लुक्स और इनमें क्या बदलाव हुआ है उन अपग्रेड्स की। तो न्यू हॉलैंड ने अपने उसी हेरिटेज स्टाइलिंग को कंटिन्यू रखा है, लेकिन साथ में आती है DRL सिग्नेचर लाइट्स, LED फेंडर लैंप्स, नया स्टाइलिश मेटालिक कलर और न्यूली डिजाइंड प्लेटफॉर्म। वही फार्म ट्रैक 60 की बात करें तो उसमें आपको मिलता है LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब दोनों ही ट्रैक्टर्स की खासियत है इनकी हेरिटेज स्टाइलिंग बट कुछ नए अपग्रेड के साथ। आइए बात करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन के बारे में। तो न्यू हॉलैंड में आपको मिलता है न्यू हॉलैंड का नया FPT टर्बो चार्ज इंजन, जो 2100 RPM पर देता है 49.5 हॉर्स पावर की ताकत। इसमें लगा है रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसका मेंटेनेंस है काफी आसान और जो हमारे किसान भाइयों को है काफी ज्यादा पसंद। ये इंजन आपको निकाल कर देता है 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसका सर्विस अंतराल है 300 घंटे का, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक काफी अच्छी बात है। बात करें फार्म ट्रैक 60 के बारे में, तो इसमें आपको मिलता है 50 हॉर्स पावर का इंजन, जो काम करता है 2100 RPM पर। 3344 cc का यह 3 सिलेंडर इंजन हमारे किसान भाइयों की सेवा में काफी सालों से है, तो ये इंजन काफी ट्रस्टेबल है। साथ ही एस्कॉर्ट की खासियत रही है इनका 24/7 केयर बटन। अगर किसान भाइयों को उनके ट्रैक्टर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो एक बस बटन दबा के डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, साथ ही अपने ट्रैक्टर की सर्विस भी बुकिंग कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। बात करें दोनों ही ट्रैक्टर के एयर क्लीनर के बारे में, तो न्यू हॉलैंड में आपको मिलता है ड्राई टाइप एयर क्लीनर, तो वहीं फार्म ट्रैक में आपको मिलता है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। दोनों ही ट्रैक्टर में प्री क्लीनर भी लगे हुए है। आइए बात करते हैं ट्रैक्टर में क्लच की। तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच और ड्यूअल क्लच का ऑप्शन दिया गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, तो न्यू हॉलैंड में आपको कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स के साथ ही पार्शियल सिंक्रोमेश गियरबॉक्स दिया हुआ है, वहीं फार्म ट्रैक 60 में आपको कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स मिलता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए, तो न्यू हॉलैंड में आपको UG, क्रिपर ऐसे कई सारे गियरबॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन सब में आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स
गियर मिलते हैं। साथ ही 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर का ऑप्शन भी न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाएगा। इसमें साइड शिफ्ट गियर दिए हुए हैं, जो काफी अच्छी बात है। बात करें फार्मट्रैक 60 की, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। अब गियर लीवर की पोजीशन आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, इस हिसाब से अलग भी हो सकती है। स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। आइए बात करते हैं ब्रेक्स की। सुरक्षा का पूरा ख्याल दोनों ही कंपनियों ने रखा हुआ है और आपको मिलते हैं ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक। आइए बात करते हैं एक्सल के बारे में। दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिलता है, यानी खेती के अनुरूप आप फ्रंट एक्सल एडजस्ट करके अपने काम कर सकते हैं। साथ ही न्यू हॉलैंड के रियर एक्सल में आपको मिलता है हब रिडक्शन, वही फार्मट्रैक सिस्टम में आपको मिलता है इनबोर्ड रिडक्शन। पीटीओ यानी पावर टेक ऑफ की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में आपको 540 जीएस पीटीओ तथा आर पीटीओ का ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आपको मिलता है 46 हॉर्स पावर का पीटीओ। वहीं बात करें फार्मट्रैक 60 की, तो इसमें आपको 540 के साथ MRPTO का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि फार्मट्रैक 60 तथा न्यू हॉलैंड में कई सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो अगर आप रिवर्स पीटीओ या फिर GSPTO या फिर MRPTO ये चाहते हैं, तो आप पहले डीलर से कंफर्म करें कि ये कौन से वेरिएंट्स में उपलब्ध है। बात की जाए हाइड्रोलिक्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको ऑप्शनल में ड्यूल डीसी वाल्व कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराया जा सकता है। बात करें न्यू हॉलैंड की खासियत की, तो इसमें आपको लिफ्टोमैटिक और सेंसोमैटिक 24 जैसी सुविधाएं दी हुई है। लिफ्टोमैटिक बटन से आप एक ही बार में अपने इंप्लीमेंट की गहराई सेट कर सकते हो और सिर्फ लिफ्टोमैटिक बटन की मदद से आप इंप्लीमेंट को ऊपर या फिर नीचे ले सकते हो, जिससे आपको पूरे खेत में समान गहराई मिलती है, तो है ना बड़े काम की चीज। आइए बात करते हैं टायर साइज के बारे में। न्यू हॉलैंड में आपको 7/50/16 के आगे के टायर मिलते हैं, तो वहीं पीछे में आपको 16/28 और 14/28 दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली के काम के लिए ले रहे हो तो आप 16/28 के टायर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल कामों के लिए ट्रैक्टर ले रहे हो, जैसे कि प्लोइंग करनी है, रोटावेटर चलाना है, तो आप 14/28 के टायर के साथ भी जा सकते हो। वहीं फार्म ट्रक में आपको आगे में 6/16 और पीछे में 13/6/28 का ऑप्शन दिया हुआ है। आइए बात करते हैं डायमेंशंस की। न्यू हॉलैंड 3630 की ओवरऑल लेंथ है 3700 mm, विड्थ है 1960 mm, हाइट है 2280 mm और व्हील बेस है 2040 mm का। वहीं फार्मट्रैक 60 की बात करें तो उसकी ओवरऑल लेंथ है 3355 mm की, विड्थ है 2200 mm की, ट्रैक्टर का कुल वजन है 2035 kg का और व्हील बेस है 2110 mm का। वारंटी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड एक कदम आगे है। इस ट्रैक्टर के साथ आपको मिलती है 6 साल की वारंटी, तो वहीं फार्मट्रैक 60 में आपको मिलती है 5 साल की वारंटी। बात की जाए अगर कीमत के बारे में, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स की कीमत स्टेट के अनुसार और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अगर आप इन ट्रैक्टर्स की कीमत जानना चाहते हैं, तो आपको www.tractorkarma.com पर विजिट करना है या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके ट्रैक्टर्स की कीमत बता देंगे। तो किसान भाइयों, इन दोनों ही ट्रैक्टर्स में से कौन सा ट्रैक्टर आप खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन से दो ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।